आज के समय में हम सभी के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो चुका है। इंटरनेट आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का आधार बन चुका है, लेकिन इस इंटरनेट की सबसे अनोखी बात यह है कि ये आप तक हजारों लाखों किलोमीटर तक का सफ़र तय करके पहुंचता है। आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल का नाम तो सुना ही होगा। ये वही केबल है जिसकी मदद से आप सभी लोग हाई स्पीड इंटरनेट का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अगर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल ना होता तो शायद 4G और 5G इंटरनेट स्पीड के सपने सिर्फ सपने ही रह गए होते। लेकिन जब एक देश से दूसरे देश तक इस केबल को पहुंचाने की बात की जाए तो काम कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। इसका एक ही जरिया है और वो है समुद्र। समुद्र के अंदर पड़ी केबल के जरिए ही पूरी दुनिया में इंटरनेट चलता है, उन्हीं के जरिए कम्युनिकेशन होता है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम अपने चारों ओर जो केबल और तमाम तरह के बॉक्स का जाल देखते हैं, वो पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का महज एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट कनेक्शन स्पीड और डेटा ट्रांसफर का असली जाल तो समुद्र में हजारों मीटर नीचे बिछा हुआ है। ये जाल पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। केबल के जाल की इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि दुनिया समुद्र के नीचे बिछे केबल्स के जरिए कैसे वर्चुअल कनेक्शन स्थापित करती है। समुद्र के नीचे इन केबल्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछा है। 99% दुनिया में कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर समुद्र के नीचे बिछी कम्युनिकेशन केबल्स के जरिए ही होता है। इन केबल्स को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल कहा जाता है। अभी समुद्र के नीचे करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर की है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन्हें बिछाती हैं। तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी इनके फंडिंग के हिस्सेदार होते हैं। एक देश से दूसरे देश तक कैसे पहुंचा है इंटरनेट? समुद्र में कैसे बिछाई जाती है इंटरनेट केबल? दोस्तों, इंटरनेट को एक देश से दूसरे देश तक लाखों किलोमीटर तक पहुंचाने के लिए इस केबल को बिछाया जाता है। लाखों किलोमीटर तक का सफर तय करके ये केबल एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है। इसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस केबल के जरिए अपने ग्राहकों को इंटरनेट पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अब जब भारत की आती है तो हमारे भारत के आसपास सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। जरा सोचकर देखिए कि आखिर ये केबल समुद्र को लांघकर कैसे हमारे देश तक पहुंचती है। इस केबल को बिछाने के लिए बिल्कुल खास तरह की शिप को मॉडिफाई किया जाता है। ये ऐसी शिप होती है जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, समुद्र में हजारों लाखों किलोमीटर तक इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना। आज के समय इसका कैरियर CS सॉवरेन ऐसे कुछ शिप हैं जो ऑप्टिकल केबल को समुद्र के अंदर बिछाने का काम करते हैं। इस शिप की सबसे खास बात यह होती है कि ये एक ही बार में 2000 किलोमीटर तक का केबल अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, और इन शिप्स की वजह से समुद्र के अंदर केबल बिछाना बहुत ही आसान हो चुका है। और इसकी रफ्तार सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक दिन में ये करीब 100 से 150 किलोमीटर तक की केबल बिछा देते हैं, और कई बार ये लोग 200 किलोमीटर तक भी पहुंच जाते हैं। बस इनकी इस स्पीड के कारण ही आज आप तक हाई स्पीड इंटरनेट बड़ी आसानी से पहुंच चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि समुद्र की इतनी ज्यादा गहराई में ये ज्यादा समय तक सुरक्षित कैसे रहती होंगी? इस तरह की ऑप्टिकल फाइबर केबल को लंबे समय तक समुद्र के अंदर टिकाने के लिए स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर कॉपर, मेटल और रबर की कई लेयर चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद ही इन्हें समुद्र के नीचे बिछाने का काम किया जाता है। यही वजह है कि इसे सबमरीन केबल कहा जाने लगा है। लेकिन इस केबल को बिछाने और बनाने में काफी खर्च आता है। एक प्रोजेक्ट में करीब 100 मिलियन से 500 मिलियन यूएस डॉलर तक का खर्च होता है। केबल को समुद्र के अंदर कैसे बिछाया जाता है? समुद्र तट से थोड़ी दूर पर एक शिप को खड़ा किया जाता है, और ये वही शिप है जो केबल बिछाने का काम करता है। शिप में केबल को लोड करने के लिए समुद्र तट से शिप तक केबल पहुंचाई जाती है। ये काम पूरी तरह से मैन्युअली किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जहाज समुद्र तट के करीब नहीं आ सकता, नहीं तो ये पूरी तरह से फंस सकता है। इस केबल को शिप में लोड कराने के लिए केबल के एक सिरे को शिप में लगे रोलिंग मशीन में बांधा जाता है, और दूसरा सिरा समुद्र तट पर होता है जो केबल को रिलीज करने का काम करता है। कुछ ही समय में शिप में लगी रोलिंग मशीन 2000 किलोमीटर तक की लंबी केबल को रोल करके लोड कर लेती है,
और अब ये शिप समुद्र के अंदर केबल बिछाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी और बहुत काम बाकी है। केबल को बिछाने से पहले ये तय किया जाता है कि इस केबल को कौन से रूट पर बिछाया जाएगा। अगर कोई ऐसा रूट सामने आता है जहां पर वहां की लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी तो परमिशन ली जाती है। इस पूरे प्रोसेस को जियोलॉजिस्ट ओसानोग्राफर की पूरी टीम मिलकर तैयार करती है। इसके बाद पूरे रूट का सर्वे किया जाता है और देखा जाता है कि कहां कहां पर दिक्कत आ सकती है। समुद्र के अंदर कई बार पहाड़ होते हैं, इसीलिए उन पहाड़ों से हटाकर केबल को बिछाने का काम किया जाता है। अब इन केबल्स को समुद्र के अंदर बिछाने का काम होता है, लेकिन इसे बिछाने से पहले इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि ये कोई प्रोटेक्टेड एरिया तो नहीं, क्योंकि अगर कोई शिप प्रोटेक्टेड एरिया में बिना परमिशन के केबल बिछाने का काम कर देता है तो इसके लिए इन्हें $1,00,000 का फाइन भी देना पड़ सकता है। फिर रूट के अनुसार शिप को ले जाया जाता है। शिप को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसके एक तरफ की मशीन से समुद्र में गड्ढा खोदने तथा दूसरे तरफ की मशीन से केबल समुद्र में बिछाई जा सके। इस शिप के द्वारा समुद्र के अंदर गड्ढा किया जाता है और फिर उनमें ये केबल बिछाई जाती है जिससे केबल सुरक्षित रह पाए। अगर इसे ऐसे ही सतह पर बिछा दिया तो कोई भी बड़ी सी वेल या फिर शार्क जैसी मछली बहुत आसानी से इसे काट सकती है, जिसके बाद इसकी रिपेयरिंग करना इतना आसान नहीं होता। कई बार इन केबल्स को बिछाने के लिए गोताखोरों की जरूरत पड़ जाती है ताकि रूट सही तरीके से फॉलो किया जा सके। इन गोताखोरों के पास एक GPS सिस्टम लगा होता है जिसे लगातार शिप में लगे सिस्टम ट्रैक करते रहते हैं। वहीं केबल बिछाने के बाद इस शिप में लगी दूसरी मशीन इन गड्ढों को बंद करने का काम करती है। इनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की होती है, लेकिन बीच बीच में कई बार मछलियां और समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े जीव जंतु इस केबल को काट दिया करते हैं और कई बार कुछ ऐसी घटना घटित तो हो जाती है जिसकी वजह से केबल कट जाती है। धन्यवाद।